हेलो फ्रेंड्स, देखिए मूंगिया स्नैक, ये करेत की तरह होता है लेकिन ये इसको मूंगिया स्नैक बोलते हैं। ये देखिए कॉमन मूंगिया स्नैक है और बहुत ही फुर्तीला लेकिन शर्मिला सांप होता है। और दोस्तों ये इसके अंदर बिल्कुल जहर नहीं होता। ये देखिए मूंगिया स्नैक अद्भुत है ये। बहुत खूबसूरत है दोस्तों, ये लगभग 2.5 से 3 फीट तक लंबा हो सकता है। कई लोग इसे करेत समझ लेते हैं और करेत समझकर इसे मार डालते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये करेत नहीं है और बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। आप इसके पैटर्न को देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी सांप है उसकी पहचान दोस्तों बहुत ज़रूरी है। मूंगिया स्नैक इसको बोलते हैं, कॉमन मूंगिया है और करेत की तरह जो है ये फुर्तीला हो सकता है, लेकिन जल्दी से ये काटता नहीं है किसी को भी। और देखिए हम लोग जो है आपको ये इसकी पहचान करा देते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सांप है दोस्तों, इसका पूरा पैटर्न देखिए आप। इसके जो चेहरा है उस चेहरे के ऊपर ये तीन तरह के वी आकार की जो धारियां बनी हुई हैं और उसके बाद ये बैंडेड की तरह अलग। दोस्तों इसी तरह से रसल वाइपर भी, जो सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर है वो भी इसी प्रकार से होता है, और करेत भी है लेकिन ये चॉकलेटी कलर का होता है और जो करेत होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है। और इसमें आप देख सकते हैं ये चॉकलेटी कलर जो है वो ये मेंशन है, ये देखिए। और आपने इसी चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, करेत होता है वो सर से लेकर के और लगभग यूँ समझ लीजिए 6 इंच के नीचे तक जो है, वहाँ से इसके सफ़ेद धारियाँ जो है, डबल सफ़ेद धारियाँ हैं वो स्टार्ट होती है और वो पूँछ तक जाती है। लेकिन मूंगिया जो है वो चेहरे के ऊपर तीन, ये आप देख सकते हैं तीन धारियां जो है ये मूंगिया की निशानी है और वी आकार की होती हैं, और उसके बाद में ये धीरे धीरे फ्लैट होती जाएंगी और बैंडेड की तरह ये बन जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होता और लगभग ये समझ लीजिए लगभग आधा फीट से लेकर के और लगभग 3 फीट तक ये पूरा व्यस्क सांप होता है। इसे भी बड़े हो सकते हैं लेकिन देखा नहीं गया है अभी तक। और ये मैं दोस्तों आपको बता दूं, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3 फीट तक की है। और अभी हम जो है इसको देखिए रिलीज कर देते हैं, इसको आपको इसकी पहचान करवा दी है हमने, और इसको झाड़ियों में रख देते हैं तो ये अपने आप जो है चला जाएगा। ओके बाय। बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इस तरह के सांपों के बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहता था। और कई बार सोचता हूँ कि आपको सभी प्रकार के सांपियों को एक वीडियो बनाऊँ और आपको जानकारी दे सकूँ, लेकिन चलो फिर बनाएंगे कभी दोबारा। ओके थैंक यू।